तो आज के वीडियो में जानने वाले हैं बेबी डोज कॉइन के बारे में। गाइस अभी इस कॉइन को लेकर के टॉपमोस्ट बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको हर एक चीज मैं बताने वाली हूँ बेबी डोज कॉइन के बारे में, यानी कि जो कि अभी अब लेटेस्ट अपडेट अभी इसको लेकर के निकल के आ रही है। क्योंकि अगर आप बेबी डोज कॉइन के होल्डर है तो आई होप, मेरे को लगता है कि आप जो है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि आप अगर होल्डर है तो आप चाहते हैं इससे प्रॉफिट एंड कट, और साथ ही साथ आप अपने कॉइन के, आप जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट है उसमें आगे क्या हो रहा है इस कॉइन में, वो जानना जरूरी होता है हर एक होल्डर के लिए। तो आप ये जानेंगे जरूर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले अपने छोटा सा प्यार जरूर दे दीजिए, यानी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ते रहे और मैं आपके डेली ऐसी अपडेट्स लाते रहूँ। तो चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गाइस 5.70 के परसेंट के करीब में आपको डंप करते हुए दिख रहा है हमारा बेबी डोज कॉइन। अगर हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पे आप देख सकते हैं 21% के करीब में इसका जो है वॉल्यूम भी आपको डंप करते हुए दिख रहा है, यानी कि अभी बहुत ज्यादा गिरा हुआ है मार्केट। यानी कि अभी आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले इसने अच्छा खासा पंप भी किया था, मार्केट ने अच्छा खासा पंप किया था और अभी थोड़ा बहुत करेक्शन ले रहा है। लेकिन बेबी डोज कॉइन की बात की जाए तो इसने अभी हाल फिलहाल में तो कोई इतना बड़ा पंप किया नहीं है। बहुत दिनों पहले किया था 30% के अराउंड का, लेकिन अभी के फिलहाल में यह 5% के करीब में डंप करते हुए दिख रहा है। तो ये तो एक कुछ बेसिक बात है, क्योंकि अगर हम फ्यूचर के होल्डर है तो हमको फ्यूचर की बात जाननी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो गाइस सबसे पहले तो पढ़ते हैं हम लोग इस अपडेट के साथ कि बेबी डोज कॉइन 17 फरवरी की अपडेट है कि बेबी डोज कॉइन लिस्ट हो चुका है कहाँ पर, तो टैब बिट ग्लोबल, यानी कि अभी फिलहाल में बेबी डोज कॉइन में अच्छी खासी लिस्टिंग हुई है, जो कि बहुत दिनों से नहीं हो रही थी। गाइस छोटे मोटे एक्सचेंजेस पे हुई है, लेकिन हुई है बहुत सारी लिस्टिंग। तो चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेबी डोज इज नाउ सपोर्टेड ऑन bitnomic.com, यानी कि वहां पर भी इसकी लिस्टिंग होने वाली है, या फिर हो भी चुकी है, इतना कंफर्म नहीं है लेकिन होने वाली है। तो गाइस क्योंकि अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस SWYFTX में भी यहाँ पे जो है लिस्ट हो चुका है बेबी डोज कॉइन। ये हमारा तीसरा एक्सचेंज हुआ जहाँ पर ये बेबी डोज कॉइन लिस्ट होने वाला है। यहाँ तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी, कितनी बड़ी बड़ी लिस्टिंग्स हो रही हैं यहाँ पे, यानी कि लिस्टिंग्स अभी हाल फिलहाल में अच्छी खासी हुई है। इन्होंने एक वीडियो डाली थी कि बर्न पोर्टल को आप कैसे यूज कर सकते हैं, हाउ टू वीडियो टू योर न्यू बर्न पोर्टल। तो इसने अपने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर डाली थी ट्वीट, तो लोगों को जो उन्होंने यूज करना था उन्होंने वीडियो देखे थे, यूज की होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं bitnomic.com पे जो है हमारा बेबी डोज कॉइन इस वीक में 4th लिस्टिंग करने वाला है, यानी कि इस वीक में एक हफ्ते के अंदर अंदर 4 लिस्टिंग हो चुकी है हमारे बेबी डोज कॉइन में। तो गाइस ये एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कूकॉइन भी लिस्ट, यानी कि कूकॉइन भी यहाँ पे कुछ कुछ बातें की जा रही है, वो भी बिटकॉइन एलबीजी की तरफ से न्यूज आई है, जो कि वेरीफाइड एक चैनल है। वहां पे आप देख सकते हैं उन्होंने बोला था कि कूकॉइन अब कौन से कॉइन को लिस्ट करेगा, और नंबर वन में उन्होंने एक बेबी डोज कॉइन को ही डाला था, बाकी कॉइन्स आते हैं बाद में, फर्स्ट इज यार बेबी डोज कॉइन। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बेबी डोज इज लिस्टिंग ऑन bitnomic इन एडवांस, यानी कि यहाँ पे एडवांस में इन्होंने बोल दिया है। वैसे तो 8:30 को UTC में होने वाला है, यहाँ पे 17 फरवरी की, यानी कि लिस्टेड हो चुके हैं, क्योंकि आज 18 फरवरी है, ये आपको पता है। तो चलिए बढ़ते आगे। आप देखते हैं रॉकेट टू द मून इनकमिंग, यानी कि लोगों को लग रहा है कि अब तो ये रॉकेट सीधे पकड़ने वाला है और अब ये जाके रुकेगा बहुत दूर, यानी कि टू द मून अब जाने वाला है हमारा बेबी डोज कॉइन, ऐसी कुछ बातें निकल के आ रही है। और बस थोड़ा सा इंतजार है बेबी डोज कॉइन की बाइनेंस लिस्टिंग का। गाइस 4 लिस्टिंग तो हो गए, लेकिन एक धमाकेदार लिस्टिंग हो जाए तो का मन खुश हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लग रहा है कि अप्रैल जुलाई तक हमारा बाइनेंस पे भी लिस्ट हो ही जाएगा। और कितना इंतजार करवाएगा, हमने पहले से ही बहुत पेशेंस करके रखा हुआ है, अब देखो क्या पता है इसका कोई रिस्पांस मिले। यहाँ पे आप देखते हैं लवली स्वैप स्पॉन्सर्ड फार्म विद न्यू लॉन्च्ड नेटिव टोकन लवली स्वैप टोकन, यानी कि लवली स्वैप ने जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस बेबी डोज कॉइन के साथ इनका कुछ हुआ है। तो गाइस ये जो हमारे है लवली स्वैप और बेबी डोज स्वैप, ये दोनों जो है एकदम से मिले हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस लवली इन्हें भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अब देखो क्या होता है उसका भी, उसके रिलेटेड मैं वीडियो कल लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आवर वीकली रिकैप इज हेयर, यानी कि इनका वीकली रिकैप है ये, जो कि बहुत ही बढ़िया निकला है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइनेंस लिस्टिंग का, तो भाई लगा
लगातार लोगों के द्वारा ट्वीट किया जा रहा है, कर दो यार बाइनेंस लिस्टिंग, कर दो, अब कितना सताओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.8 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे बेबी डॉज स्वैप के, यानी कि गाइस बहुत जल्द इनके फॉलोअर्स कंप्लीट हो रहे हैं और अभी तक इन्होंने 1.8 मिलियन गेन भी कर लिए हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। तो चलिए बढ़ते आगे, ये कुछ अपडेट्स थी जो बिहार फिल्म में बेबी डॉज कॉल लेकर आ रही थी। कल आएगी आपको लवली इनू की अपडेट, और साथ ही में अगर तक आपने डेली वीडियोज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।